जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जीके की क्लास में एनिमल्स एंड देयर यंग वंस का टॉपिक शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है आप इसे पूरा जरूर देखेंगे। इसमें आपको क्या क्या जानने को मिलेगा पहले वो बताते हैं। कौन सा एनिमल है, उसके छोटे बेबी जो बेबी होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं एनिमल्स एंड देयर यंग वंस की क्लास। सबसे पहले आप देखते हैं कोई भी जब जीव है इस धरती पर उसका छोटा बेबी जरूर होता है। अगर उसका कोई छोटा बेबी है नहीं तो वो जनरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, वो जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी, एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि एनिमल के यंग वंस को क्या कहेंगे, एनिमल के जो बेबीज होते हैं उनको क्या कहेंगे। सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं कि लॉयन के यंग वन को कहते हैं कब। लॉयन के यंग वन को कहेंगे हम कब। आप इसको बार बार रिपीट करिएगा, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। लॉयन के यंग वन को कहेंगे कब। उसके बाद डियर के यंग वन को कहेंगे फॉन। डियर के यंग वन को कहेंगे फॉन। मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा, डियर के यंग वन को कहेंगे फॉन। यंग वन ऑफ काउ, काउ के यंग वन को कहेंगे काफ। काउ के यंग वन को क्या कहेंगे, काफ। काउ के यंग वन को क्या कहेंगे, काफ। नेक्स्ट है पिग। पिग की यंग वन को क्या कहेंगे, पिगलेट। पिग के यंग वन को क्या कहेंगे, पिगलेट। पिग के यंग वन को क्या कहेंगे, पिगलेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, डॉग। डॉग के यंग वन को क्या कहेंगे, पपी। पप भी बोलते हैं, पप या फिर पपी। डॉग के यंग वन को क्या कहेंगे, पप और पपी, राइट। नेक्स्ट क्या है, कैट। कैट के यंग वन को क्या कहेंगे, कैट के यंग वन को कहेंगे किट या फिर किटन। किट या फिर किटन। कैट के यंग वन को क्या कहेंगे, किट या फिर किटन। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैंगरू। कैंगरू के यंग वन को क्या कहेंगे, जॉय। कैंगरू के यंग वन को क्या कहेंगे, जॉय। इस जॉय की स्पेलिंग में ई आता है बीच में, ओ और वाई के बीच में ई लिखा जाता है, राइट। कैंगरू के यंग वन को क्या कहेंगे, जॉय। नेक्स्ट क्या है हमारा, गोट। गोट के यंग वन को क्या कहते हैं, किड। गोट के यंग वन को क्या कहते हैं, किड। गोट के यंग वन को क्या कहेंगे, किड। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो को बार बार रिपीट ना करना पड़े और आप एक ही बारी में समझने की से कोशिश करें। गोट के यंग वन को क्या कहेंगे, किड। नेक्स्ट क्या है हमारा, हेयर। ये जो जैसे रैबिट होता है ना, उसी के टाइप का दिखता है, जंगलों में ज्यादा दिखता है। इसकी यंग वन को क्या कहेंगे, लेवरेट। इसकी यंग वन को क्या कहेंगे, लेवरेट। नेक्स्ट क्या है, टाइगर। टाइगर के यंग वन को कहेंगे कब। टाइगर के यंग वन को भी कहेंगे हम कब, राइट। और लॉयन के यंग वन को भी हमने कहा था कब, टाइगर के यंग वन को भी हम कहेंगे कब, राइट। नेक्स्ट क्या है, एलिफेंट। एलिफेंट के यंग वन को क्या कहेंगे, काफ। एलिफेंट के यंग वन को क्या कहेंगे, काफ, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रोग। फ्रोग के यंग वन को क्या कहेंगे, टैडपोल। अब ये जो टैडपोल की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इस प्रकार के भी होते हैं या फिर फ्रोग के छोटे बेबी फ्रोग जैसे दिखने वाले भी होते हैं। तो दोनों पिक्चर आपके सामने है। फ्रोग के यंग वन को क्या कहेंगे, टैडपोल, राइट। नेक्स्ट है हमारा शीप। शीप के यंग वन को कहेंगे लैम्ब। शीप के यंग वन को क्या कहेंगे, लैम्ब। शीप के यंग वन को क्या कहेंगे, लैम्ब। नेक्स्ट क्या है हमारा, हॉर्स। हॉर्स के यंग वन को कहेंगे फॉल या फिर कोल्ट। हॉर्स के यंग वन को क्या कहेंगे हम, फॉल या फिर कोल्ट, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, बेर। बेर के यंग वन को क्या कहेंगे, कब। बेर के यंग वन को क्या कहेंगे, कब। ये जो सारे यंग वंस हैं आप इसको बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, एक नोटबुक में भी लिख सकते हैं ताकि हमें ये लर्न रहे, हमें अच्छे से पता रहे किसके यंग वन को क्या कहते हैं। टाइगर, लॉयन, बेयर, ये सब ना इनके यंग वंस को बोलते हैं कब, राइट। काफ है, जैसे काउ के यंग वन को भी बोल देते हैं, एलिफेंट के भी यंग वन को बोल देते हैं काफ, राइट। तो ये सारा थोड़ा कुछ इसमें कॉमन भी है, आप इसको एक लिस्ट बना सकते हैं, उसके बाद इनको लर्न कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।